हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और हमेशा की तरह आज भी हमारे किचन में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाएंगे। तो मज़ेदार से चावल तैयार करते हैं, आलू के चावल। तो चलिए गाइस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चावल बनाने के लिए हमने एक पतीला ले लिया है बड़ा, उसमें हम एक प्याली एक कप के बराबर जो है भरकर जो है वो कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसके बाद हमने गरम मसाला लिया है, तो ये गरम मसाला हम इसमें डालेंगे गाइस। साथ ही हमने दो बड़े साइज की प्याज जो है वो काट ली थी, दो बड़े साइज की प्याज है हमारे पास। अब हम इसको अच्छा सा ब्राउन करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होंगे, प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। प्याज हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने। इसके बाद हम इसमें 4 अदद के टमाटर ये डाल देंगे, 4 बड़े साइज के टमाटर मैंने लिए थे। इसके अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे, 1 साचा मैंने लिया है बिरयानी मसाला। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून के बराबर है नमक, आप हसबे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं इसमें। हल्दी डालेंगे इसमें, 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी है, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी। तो अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए जो है मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है, 5 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई किया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू मैंने लिए हैं 4 अदद आलू लेकर इसको मैंने काट लिया था। आलू से मज़ेदार से जो है वो बिरयानी तैयार हो रही है। तैयार नहीं लगा के बना रही, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है गाइस। आलू डालने के बाद भी इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई किया है। अब देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, 5 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है मोटी वाली। ये चावल में बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चावल में। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और भून कर इसमें पानी ऐड करेंगे। आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं इसमें। अब हम इसमें 6 ग्लास जो है वो पानी ऐड कर देंगे। 3 ग्लास हमने चावल लिए हैं, तो हम 6 ग्लास इसमें पानी डालेंगे। 6 ग्लास पानी मैंने नाप के रखा हुआ था। एक ग्लास और ऐड करेंगे इसमें। छः ग्लास पानी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको ढक देंगे, पानी बॉयल होगा तो फिर इसमें चावल डालेंगे। पानी बॉयल हो गया है हमारा, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने भिगो के रखे हुए थे, 3 ग्लास चावल हैं, ये सारे इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे इसको। इसके बाद हम इसको ढक देंगे, पानी खुश्क होने के बाद इसको चेक करेंगे। हम इसको ढककर बनाएंगे। अब हम चावल चेक करेंगे, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे चावल को रखे हुए। ये देखें गाइस, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, इतना ज़बरदस्त सा जो है वो चावलों का कलर है। पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, चावल अभी थोड़े कच्चे लग रहे हैं, तो हम इसको स्टीम दम पे बनाएंगे। चावल अभी थोड़े से कच्चे हैं गाइस, तो
तो अब हम इसको दम पे बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने जर्दा रंग लिया है, आधी चाय की चमची के बराबर मैंने जर्दा रंग लिया है। अब हम इसको पानी में मैंने मिक्स किया है इसको, अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया जर्दा रंग। अब हम इसको ढककर बनाएंगे और स्टीम जो है, फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे हम। स्लो फ्लेम पे हम इसको 7 मिनट के लिए, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम दम पर रखेंगे ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाएं। दम पर रखे हुए हमें 7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इतनी खूबसूरत सी जो है, इसके अंदर जो है वो स्टीम भी बनी हुई है बहुत अच्छी सी। चावल हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत मज़ेदार से जो हैं आलू के स्पाइसी राइस जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, आप देखें किस ज़बरदस्त से चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं, खिले खिले से और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।